मेरे साथ तो भाई उन्होंने बहुत गंदा बिहेव किया, तो मैं पर्सनली अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो आज के बाद तो खैर मैं यहाँ पर यहाँ के रेड टेप पे तो कभी नहीं जाने वाला, ठीक है। बाकी वहाँ तो उन्होंने मेरा कैमरा बंद करवा दिया था। पता कॉलेज से ज्यादा रिएक्शन है ना स्कूल के बाद में, तो ये देखो ये चेक कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो, क्या बात है। फिलहाल जो है अचानक से भाई वाला जो प्लान है ना वो वापस से जो है हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पे आ चुका है। तो फिलहाल जो है हम लोग कुछ दिन बाद एक तबाही व्लॉग लेके आने वाले हैं। भाई एक चीज समझ नहीं आती, ये लोग पता नहीं मना क्यों करते हैं वीडियोग्राफी करने के लिए। वैसे ना भाई उसके ना काफी सारे है ना वीडियोस बने हुए, डीएलएफ के भी बने, वेनिस के भी बने हुए। वीडियोग्राफी लाउड है, लाउड है, ये हेलमेट रख ले जाए तो आनी है ना। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है काफी बढ़िया वेदर के साथ, एंड अभी जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो कि मैं कितना खुश लग रहा हूँ तुम्हें। तो इस खुशी के पीछे रीजन क्या है यार, जो मैंने बहुत टाइम पहले भाई एक चीज तुम्हें बोली थी कि हम लोग कुछ चीज लेके आने वाले एंड वो तबाही व्लॉग होने वाला है, बट उस टाइम पे ना थोड़ी सी चीजें जो है वो ऊपर नीचे हो गई, जो सिचुएशन थी ना उसमें कुछ चेंजेस आ गए थे, तो उसकी वजह से फिर जो है हमने वाला प्लान कैंसिल कर दिया, मतलब ड्रॉप कर दिया। कैंसिल तो मतलब एक तरह से ड्रॉप किया हुआ था, कैंसिल तो नहीं कह सकते, बट फिलहाल जो है अचानक से भाई वाला जो प्लान है ना वो वापस से जो है हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पे आ चुका है। तो आज जो है हम लोग कुछ दिन बाद एक तबाही व्लॉग लेके आने वाले हैं। तो बस तुम लोग भाई वेट करो, मजा आने वाला है एकदम। मतलब काफी लोग को पता भी लग गया होगा, जो लोग मेरे नोन हैं, जिन लोगों को पता है, बाकी काफी लोगों को नहीं पता होगा। वैसे मोस्टली लोगों को तो नहीं पता होगा, और एक दो लोगों को जिनको पता होगा वो भी कंफ्यूज होंगे कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ऐसा। तो कुछ चीज ऐड ऑन होने वाली है, तो वो क्या चीज है अब वो तुम लोग सोचो भाई क्या हो सकता है। तो अभी जो है फिलहाल अभी से लेके मतलब अभी तो खैर मेरे को दिवाली पे घर जाना है, घर से आने के बाद हम उस चीज को लेके आने वाले हैं। तो बस अब तुम लोग देखते रहो। बाकी फिलहाल आज का सीन क्या यार, अभी हम लोग जा रहे हैं ओमैक्स, अभी मेरे को और लक्की को थोड़े बहुत है ना कपड़े वगैरह लेने, उसके बाद मुझे रेड टेप भी जाना है, एंड मेरे को शूज वगैरह भी लेने थे। मैं कल देख के आया था नाइकी के शूज, तो मेरे को काफी पसंद आ गए थे, तो मैं सोचा हूँ कि आज जाके ले आता हूँ। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे भाई ओमैक्स मॉल में, तो उधर जाके लेके आते हैं सामान वगैरह, एंड भाई मजा ही आने वाला है। अब जो व्लॉग आने वाला है भाई कुछ टाइम बाद भयंकर, मतलब ना एकदम तुम मतलब चौक जाओगे, एकदम इतना तगड़ा व्लॉग है। तो अभी फिलहाल कुछ इस तरह का वेदर हो रहा है, ये देख सकते हो मस्त धूप आई हुई है, क्या मजा आ रहा है। ऐसा मौसम रोज रहे ना भाई तो भाई दिक्कत ही क्या है, बट भयंकर रोज है ना बारिश हो जा रही है, तो उसकी वजह से ना मूड है ना खराब सा हो जा रहा है। तो मस्त है लेकिन, बट सही है, चलो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। आज तो मैंने मम्मी लोगों से बात कर ली है, तो मतलब पक्का ही है एक तरह से। तो अभी देखो बस थोड़ा टाइम आने वाला व्लॉग तबाही वाला। तो फिलहाल अभी हम लोग लेट नहीं करते हैं, फटाफट जाते हैं ओमैक्स, वहां से भी सामान लेना है, बाहर धूप भी बहुत ज्यादा, फिर गर्मी भी बहुत ज्यादा लगेगी, तो चलते हैं फटाफट से। तो अभी फिलहाल आज के हम लोग कुछ इस तरह के ट्रैफिक से, एंड अभी जो है पीछे काफी ज्यादा ट्रैफिक था, एंड यहाँ पर जो है ट्रैफिक नहीं है। अभी हम लोग भाई यहीं से सीधे सीधे ओमैक्स की तरफ कोई चल रहे हैं, अभी हम लोग कहीं बीच में नहीं रुकने वाले, नहीं तो बीच में कोई ना काम याद आया था। आज मेरे पास कोई भी काम नहीं, यहाँ से ओमैक्स जाके आना, यूनिटेक से भी थोड़ा बहुत सामान लेके आना, वो तो खैर हम लोग कैब से लेकर आएंगे, उसके लिए कैब करनी पड़ेगी, तो इसीलिए अभी फिलहाल हम लोग हाइड्रा से ही आ गए। अबे यार अरे भैया, ये देखो गाइस फोन पे बात करते करते गाड़ी मोड़ रहा है। तो वैसे तो हम भी करते हैं बट हम लोग ध्यान देते हैं यार, ये भयंकर बिना देखे। फिलहाल जो Z900 का था ना उसी से रिलेटेड कुछ ब्लॉग आने वाला है, तो बस देखते रहो। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि कहीं तुमसे वाली वीडियो मिस ना हो जाए, ब्लॉग जो है ना एकदम तबाही होने वाला है। अरे 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 भैया, अभी भाई स्कूल की छुट्टी हुई है ना यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया। ये देख रहे हो रिएक्शन खतरनाक, पता कॉलेज से ज्यादा रिएक्शन है ना स्कूल के बाद में, तो ये देखो ये चेक कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो, क्या बात है। एंड आज का वेदर कितना सेक्सी हो रखा है, देख सकते हो तुम लोग क्या मस्त हो रखा है भाई, इतना ज्यादा धूप है ना ज्यादा ठंड है, सही चल रहा है मतलब। एंड बाकी हम लोगों ने लॉन्ड्री में कपड़े दे दिए थे शाम को जाके, अभी यार थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड एरिया आ गया है, आगे पुलिस वाले खड़े हो सकते हैं। वैसे पता मैं पीछे वाले साइड से चले जाता हूँ, ऊपर कोई था वहाँ से ओमैक्स, बट हम लोग यहाँ से पता इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर ना स्कूल था, तो स्कूल के बाद रिएक्शन बड़े तगड़े तगड़े मिलते हैं, तो मैंने सोचा यहीं से चलते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे बैनर लगे ना पुलिस के, ऐसा लगता है भाई कम से कम ना 4-5 पुलिस वाले तो खड़े होंगे, बट यहाँ पे वैसे बेसिकली खड़ा कोई रहता नहीं है, कभी कभार ना महीने में एक आध बार दिख जाते हैं। बाइक से बड़ी तो भाई ये प्लाई लेके जा रहा है। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके कुछ इस तरह की जगह पे, एंड आज काफी टाइम बाद गामा की तरफ को आ रहे हैं, एक बार अंदर का चक्कर मार के आएंगे, अगर आते टाइम थोड़ा सा टाइम बचाना तो अंदर का चक्कर मार के जाएंगे। ओहो क्या बात है भाई, एक नंबर।
तो फिलहाल आ चुके गाइज हम लोग ओमेक्स में एंड इसके बाद मेरे को रेड टिप भी जाना है, वहाँ से थोड़ा सा सामान लेना है, तो पहले यहाँ का काम निपटाते हैं उसके बाद रेड टिप जाएंगे। मेरे को अभी याद है पता है रेड टिप का, मैं घर पे सोच रहा था बट फिर मैं अभी भूल गया था, बट अभी मुझे याद आ गया। बाकी ये चेक करो, ये करेंगे हम लोग। तो गाइस फिलहाल आज के हम लोग पेंटालूंस में हैं, यहाँ से देखते हैं थोड़ा बहुत सामान। वीडियोग्राफी लाउड है? लाउड है। ये हेलमेट रख लो फिर ले जाएँ। फिलहाल वहाँ पर तो उन्होंने हेलमेट रख दिया था बट यहाँ पर उन्होंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हम भी रख लेते हैं। फिलहाल ये तो खैर बच्चों वाला है, हम लोग को जाना है ऊपर वाले में। बड़े दिन हो गए यहाँ भी आए हुए, आज काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे अब। अबे अच्छा लग रहा है। सो फाइनली गाइस हम लोग को ये पसंद आई है पीटर इंग्लैंड की। एक दिक्कत है भाई, यहाँ पे गाने बज रहे हैं तो उसके से कॉपीराइट ना आ जाए। सो गाइस यहाँ से बस इतना ही सामान लेना था, ये ले लिए। तो फिलहाल अब जा रहे भाई रेड टेप, क्योंकि मेरे को जो है सबसे ज्यादा रेड टेप से सामान लेना है। भाई यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पे कैमरे वैमरे की मना नहीं करते अंदर ले जाने के लिए, मैंने अंदर ही मस्त वीडियो बना लिया तो किसने कुछ नहीं कहा। बाकी वेनिस के अंदर बहुत दिक्कत करते हैं, जैसे कि तुम लोगों ने देखा था उस दिन हम लोग आईफोन लेने गए थे, उस दिन भी उन्होंने ये करा था एंड नेक्स्ट टाइम जब गए थे तब भी ये करा था। एंड सेम चीज़ डीएलएफ में भी, यही डीएलएफ में भी उन्होंने मना कर दिया था, बाहर गेट पर ले लिया था कैमरा। तो बाकी जो है यहाँ पर इस वाले मॉल में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तुम्हें कैमरा ले जाओ, चाहे बड़ा डीएसएलआर ले जाओ, चाहे गोप्रो ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, कुछ नहीं कहते। भाई एक चीज़ समझ नहीं आती, ये लोग पता नहीं मना क्यों करते हैं वीडियोग्राफी करने के लिए। वैसे ना भाई इन मॉल्स के ना काफ़ी सारे हैं ना वीडियोस बने हुए हैं, डीएलएफ के भी बने, वेनिस के भी बने हुए हैं, इतने सारे वीडियोस तो बन रहे लेकिन फिर भी ये मना करते हैं, पता नहीं क्या ही दिक्कत है इन लोगों को। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं दोबारा से उसी वाले सर्विस लेन पे जहाँ पे उसे पुलिस वाले ने पकड़ा था, वो सामने वहाँ पे पकड़ा था जैसे कि तुम लोग को याद होगा। देखते हैं भाई अगर अभी पुलिस वाले हुए तो फिर पकड़ लेंगे, नहीं हुए तो हम बच के निकल जाएंगे। ओके गाइस तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं जगत पे एंड भाई साहब इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगाना, अभी पीछे भयंकर एक है ना कोई लेडीज़ चला रही थी कार, उनको ना गाड़ी निकालनी नहीं आई साइड से, उन्होंने फंसा दी बीच में, तो वहाँ पे ट्रैफिक लग गया। एंड बाकी यहाँ पर तो भाई ऑटो वालों ने अलग ही आतंक मचा रखा है। फिलहाल हम लोग चल रहे भाई रेड टेप से आने वाला बस इस कॉम्प्लेक्स के एकदम अपोजिट साइड पर। तो गाइस फिलहाल अभी वहाँ से तो हम लोग आ चुके हैं बट यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी मैं ना दूसरे साइड से आया हूँ निकल के, अगर वहाँ से जाते तो वहाँ से तो खैर हम लोग निकल ही नहीं पाते, बट फिलहाल जो है यहाँ पे अभी ट्रैफिक नहीं है, बाकी आगे चेक करना पड़ेगा। वाह ये पुलिस वाले तो नहीं खड़े, क्योंकि उसे यहीं पर धर लिया था पुलिस वालों ने। हम लोगों ने भाई सुबह से पता कुछ नहीं खा रखा, अभी भूख भी लगी है बहुत तेज, तो कुछ खा भी लेते हैं यहाँ से ही। एक तो गाइस अभी है ना कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मतलब है ना वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है बट अभी मैंने माउंट्स निकाल दिए ना इसके, इसको सिंपल एक ही माउंट पे रखा हुआ है तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं लग रहा है कब वीडियो स्टार्ट हो रही है कब नहीं हो रही है। ओके गाइस तो फिलहाल हम लोग वहाँ से तो खैर घर आ चुके थे एंड उसके बाद गोप्रो वगैरह मेरा पूरा डिस्चार्ज हो गया था, उसका मैं कहीं चले गया था तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाया। तो अभी फिलहाल तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि तुम लोगों ने देखा हम लोग ओमेक्स गए थे, वहाँ पे हम लोग ना पेंटलून्स में गए थे, वहाँ से ना हमने एक दो चीज़ें ली एंड उसके बाद भाई मेरे को रेड टेप जाना था, क्योंकि मेरे को वहाँ पे ना लोअर एंड बाकी शूज़ वगैरह एक दो चीज़ें पसंद आई थी। तो हम लोग उसके बाद जगत फार्म गए एंड वहाँ जब गए ना भाई सब कुछ हो गया था, मैंने सब कुछ चीज़ें ट्राई वगैरह करके देख ली थी एंड उसका जब हम लोग बिल कराने लगे तो भाई पता क्या सीन हुआ, जिन भाई साहब ने वो दिखाया था ना मैं शूज़ वगैरह एंड बाकी लोअर वगैरह दिखाई थी, मैंने वहाँ से ना लोअर वगैरह ले ली एंड शूज़ वगैरह फिर मैंने नहीं लिए। मेरे को थोड़ा सा ना मतलब लग रहा था कि मैं कहीं और जाके देख के आता हूँ, मेरे को नाइकी में भी जाना था तो मैं सोचा नाइकी में देखा था अगर वहाँ पर सही लगेगा तो मैं वहाँ से ले लूँगा, लेकिन भाई हुआ यूँ कि उन्होंने उसका बिल भी करने लग गया। तो मैंने जब बिल पूछा कितना हो रहा है तो उन्होंने कहा कि मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया, तो मैंने बोला कि भाई आपने मतलब, मैंने बोला नहीं आप बिना मतलब का इसका बिल कर रहे हैं, तो वो बोलते कि आपको लेना पड़ेगा कंपलसरी है। मैंने कहा ऐसा क्यों, तो बोलते क्योंकि आपने बोला था कि आप लोगे, मतलब भाई मैंने उन्हें ये बोला था कि भाई जो मेरे पैर का साइज है मुझे इस साइज का शूज दिखा दो, क्योंकि वहां पे बड़ा रखा था, तो मैंने कहा मेरे साइज दिखा दो मेरे को एक बार ट्राई करना है, अगर मेरा मन बनेगा तो मैं लूंगा, मैंने ये चीज कही थी। बट वो भाई अपना पता नहीं क्या सोच के बैठ गए, उन्होंने मेरे को शूज दिखाया एंड उसके बाद भाई क्या हुआ कि उसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी लग गई थी, क्योंकि मैंने वहां पर ट्राई करा था तो मैं थोड़ा सा मैंने चलकर देखा था, ऑब्वियसली बात है भाई तुम कोई चीज ले रहे हो तो उसको ट्राई तो करोगे, ठीक है। तो मैंने ट्राई वगैरह करा एंड मैं थोड़ा सा वहां पर चला तो उसके वजह से नीचे से गंदे हो गए, तो बोलते कि ये नीचे से गंदे हो गए अब आपको लेना पड़ेगा, अब तुम लगा लो। भाई ये हाल है यहाँ के रेड टेप के शोरूम के, मेरे साथ तो भाई उन्होंने बहुत गंदा बिहेव किया, तो मैं अपने पर्सनली अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो आज के बाद तो खैर मैं यहाँ के रेड टेप पे तो कभी नहीं जाने वाला, ठीक है। बाकी वहाँ पे उन्होंने मेरा कैमरा बंद करवा दिया था, अगर मैं अंदर कैमरा ऑन कर देता तो मैं सारी फुटेज मिल जाती, वो मैंने बस वैसे ही नहीं करी। मैं था बाकी मैं बताया था पर्सनली ग्रेटर नोएडा में जो जगत फार्म में रेड टेप है वहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनका बिहेवियर बहुत बेकार है, तो पर्सनली मैं बता रहा हूँ जो मैंने फील करा। मैं भाई दो तीन बार गया हूँ, पिछली बार वहीं से कपड़े लेके आया था,
कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से ले आया। बट इस बार जो उन्होंने बिहेव कराना यार, लिटरली मेरा ना मन उठ गया। उसके बाद से मैंने ना कुछ भी नहीं लिया वहां पे, नहीं तो मैं सोच रहा था कि लोअर ले लेता हूं एक बार, फिर मेरा मन खराब हो गया। तो उसके हम लोग घर आ गए एंड उसके बाद हम लोग गए थे बढ़िया करके नाइकी में, एंड नाइकी से हम लोग शूज लेके आ चुके हैं, वो देख सकते हो तुम लोग। नाइकी से ले आया मैं बढ़िया करके, दिमाग खराब कर दिया भाई इतना अच्छे से भाई। वहां पे कम से कम 4-5 हज़ार रुपए का अच्छा खासा मतलब बन गया था बिल। मैं पे करने लगा तो उस टाइम पे बस ये बकचोदी कर दी उन लोगों ने। एंड उसके भाई मेरे को ही बोल रहा है अगला कि भाई आपकी गलती है। मैंने कहा भाई तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है सेल्स का, तुम हमें क्या सिखा रहे हो। फिर उसके बाद भाई दिमाग खराब हो गया, उसके बाद भाई मूड ऑफ हो गया एंड उसके बाद फिर हम लोग घर ही आ गए थे। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ आज। कुछ चीज़ें होती है ना जिसकी वजह से पूरा तुम्हारा दिन खराब हो जाता है, तो वैसे ही कुछ चीज़ हुई आज। तो फिलहाल जो भी था आज के ब्लॉग में क्या इतना ही था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को जाकर लाइक करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड ब्राइट सेफ।